वेलकम बैक टू इजी क्राफ्ट। तो आज मैं आपको बताऊंगी थ्रेड पेंटिंग के इजी आइडियाज। तो सबसे पहले आपको एक ब्रश चाहिए, कुछ कलर, मैंने पोस्टर कलर्स लिए हैं, व्हाइट शीट, एक रजिस्टर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपने कलर्स को इसमें थ्रेड को डिप करके रख रखा है, और जो ये स्पेसेस हैं इसमें मैं ऐसे कलर्स लगा दूंगी। और कोई लगा देंगे हम, जैसे ये ग्रीन कलर हो गया, जैसे ये, ऐसे आप कोई भी कलर लगा सकते हैं, और ऐसे से करके आपको इसमें सब ऐसे रख देना है। अब जब आप यान को निकालेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। आपको इसे निकालते ही हम एक पैटर्न बनाएंगे, ऐसे। तो अब हम इन कलर्स को रख देते हैं। अब आपको अपना जो रजिस्टर है वो इन पे रखना है और इसे अच्छे से प्रेस करना है, और उसके बाद ये जो स्ट्रिंग है आपको इसे ऐसे पुल कर लेना है, और देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है गाइस, देख सकते हैं आप कितना प्रीटी हुआ है। तो चलिए मैं आपको और भी डिफरेंट बताती हूँ। चलिए गाइस, तो अब हम बनाते हैं अपना सेकंड पैटर्न। इसके लिए मैंने एक सिर्फ वन कलर लिया है, और मैं ब्रश की हेल्प से इसे ऐसे कर लूंगी। तो अब ये हो चुका है। तो अब हम अपनी शीट को, आपको ऐसे एक एस टाइप का पैटर्न बनाना है, और फिर ऐसे 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 करते हुए आपको कोई भी ऐसे डिजाइन रखना है, जैसे आपको बस एक ऐसे एस बना के नीचे ऐसे कर देना है, और उसके बाद इसे अच्छे से प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद अब हम इसे पुल करते हैं, तो देखते हैं कौन क्या कैसे लग रहा है। वाओ गाइस, देखिए कितना प्रिटी लग रहा है ये। चलिए गाइस, अब इसको और ब्यूटीफुल करने के लिए हम यहाँ पे कहीं कहीं पे आपको ऐसे फ्लावर्स से ऐड करने हैं। तो और आप डिफरेंट कलर के फ्लावर्स ऐड कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, ये और भी प्रिटी हो गया है, देख सकते हैं इसमें फ्लावर लगाने की वजह से, देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। मैंने फ्लावर भी लगाए थे, ये सूख भी गया। ये देखिए गाइस, ये हमारा शेड कितना अच्छा लग रहा है, येलो, ग्रीन, रेड और ब्लू, कितना अच्छा लग रहा है ना। ये सेकंड पैटर्न गाइस ये एस वाला बनाया है। इसमें बस ये डिफरेंस है कि आपको उसमें नीचे क्रॉस लाइन नहीं करना है। ये देखिए गाइस, एस पैटर्न। देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे कुछ और पैटर्न क्रिएट करके रख सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। ये देखिए गाइस, ये हमारा सेकंड पैटर्न। इसमें मैंने इसे ऐसे एस क्रिएट किया था। एक्चुअली मैंने इसे ऐसे किया था, मतलब दूसरे ऐसे करके, जैसे हम नॉर्मल ऐसे बनाते हैं, बिल्कुल उसका ऐसे कर दिया था मैंने। तो उसके लिए देख सकते हैं गाइस, आप चाहें तो बस एक नॉर्मल एस बना के भी रख सकते हैं, तो दूसरी साइड ऐसे ही पैटर्न आ जाएगा। गाइस ये भी पैटर्न हमारा अच्छा लग रहा है, पर मैं आपको एक चीज बताऊंगी, आप इसे बहुत ज्यादा लाइट मत करेगा। ये देखिए गाइस, ये फ्रंट साइड कितनी लाइट हो गई है, और ये बैक साइड पे, नीचे की साइड पे कितना डार्क हो रखा है। तो आप कोशिश करिएगा कि दोनों बिल्कुल अच्छे से स्ट्रिंग कलर्ड होनी चाहिए। देखिए गाइस, ये भी अच्छा लग रहा है, पर आपको एक और चीज भी ध्यान रखनी है कि आप इसे ज्यादा वाटर कलर ना करें। अगर आप इसे ज्यादा स्ट्रिंग थोड़ी गीली रहेगी तो उससे गाइस देख सकते हैं इसे स्मजेस आ जाएंगे, जिससे आपका पेपर भी गीला हो जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा आपकी कलर भी टेक्सचर अच्छे से नहीं आएगा। इसे लाइन बहुत अच्छी लग रही है। तो ये देखिए गाइस, ये हमारे मेन पैटर्न्स जो हमने बनाया, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये है, फिर ये है, ये कलर टेक्सचर बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखिए गाइस, ये डिजाइन भी कितना अच्छा लग रहा है, इसमें हमने ऐसे फ्लावर के पैटर्न्स भी ऐड कर दिए, तो ये और भी अच्छा लग रहा है। अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिएगा गाइस, और इस वीडियो